नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजयोग पार्ट वन। मैं शुरू में ही बतलाना चाहता हूँ कि राजयोग का क्या मतलब है। राजयोग से मतलब यह नहीं है कि आप राजा बन जाएंगे। राजयोग का मतलब है कि आप एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिएंगे। आपके पास किसी बात का अभाव नहीं होगा, सब सुख सुविधाएं संपन्नताएं आपकी जिंदगी में होंगी। यह है राजयोग। आपके पास सम्मान भी होगा, सफलता भी होगी, संपन्नता भी होगी, सब भोग होंगे, तो तब आपकी जिंदगी को बहुत सफल माना जाता है आज के इस भौतिकवादी युग में। तो कुछ खास योग बनते हैं जो आदमी को बहुत समृद्ध बनाते हैं, बहुत यशवान बनाते हैं और उसे खूब संपन्नता ऐश्वर्य वैभव देते हैं। तो ऐसे ही कुछ योग का जिक्र करने हम जा रहे हैं और आज पहला पार्ट और नाम रखा है हमने राजयोग। अब आपके हाथ में है इस राजयोग को आप क्या नाम दें, लेकिन है दुर्लभ और किसी लाखों में किसी एक के हाथ में होगा। कि जब मिलता है ना, बड़ा करिश्माई होता है, बड़ा चमत्कारिक होता है। ऐसे जातक को बहुत सारी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, सुख सुविधाएं, संपन्नता, धन वैभव, सब कुछ। तो आज हम बात कर रहे हैं, पहले वो है राजयोग नंबर वन। सबसे पहले आप जाइए लिटिल फिंगर के पास। ये आपके लिटिल फिंगर, ये लंबी हो। लंबी से अक्सर हमारा मतलब होता है कि अपोलो के जो टॉप फैलेंज है उसका जो बेस है उसको क्रॉस कर जाए, कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी और लंबी, कितनी लंबी कि इसके बराबर पहुंच जाए लंबाई में, मतलब यहां तक हो हमारी ये लिटिल फिंगर। पहले शर्त। दूसरी शर्त, जो ये उंगलियां है ना सारी और बीच में ये संधियां हैं, ये इस तरह की संधियां हैं, ये जो पर्वों को बांटती है, टॉप फैलेंज, मिड फैलेंज, बेस फैलेंज, ये संधियां एक भी ना हो हाथ पे। हथेलियों पर चारों, हथेली पर चारों उंगलियां, चारों उंगलियों में कोई संधि ना हो, बस एक उंगली दिखाई दे, कोई पर्व ना हो। और साथ में लिटिल फिंगर, वो लंबाई में अपोलो फिंगर के बराबर हो। अब वह ये खास योग, इसमें भी अब पर्वतों पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा देखिए लिटिल फिंगर के नीचे ये है हमारा अपोलो। अपोलो वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अब देखिए ये तो हुआ लोअर मार्स, ये हुआ हमारा विनस। विनस भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अब इस वेल डेवलप्ड माउंट से, वेल डेवलप्ड अपोलो माउंट से एक सनलाइन निकलती है और थोड़ा कर्व लेते हुए घुस जाती है विनस के अंदर। अब सूर्य का और शुक्र का एक संबंध बन गया। यह जो संगम है ना, ये अद्भुत चमत्कारिक परिणाम देगा। शुक्र भी वेल डेवलप्ड, अपोलो माउंट भी वेल डेवलप्ड, लिटिल फिंगर भी लंबाई में रिंग फिंगर अपोलो फिंगर के बराबर, और उंगलियों पर कोई भी संधि ना हो,
अब ये खास योग बना राजयोग। यदि किसी जातक के हथेली में ऐसा योग बनता है तो आदमी बड़ा ही विलक्षण है। साथ में अगर जो उसकी हथेली है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी लंबी मतलब ऑब्लॉन्ग है, स्क्वायर नहीं है। अब और खास कि ऑब्लॉन्ग पाम के ऊपर उंगलियां और चारों उंगलियों पर एक भी संधि नहीं, और लिटिल फिंगर अपोलो फिंगर के बराबर। आपका अपोलो माउंट वेल डेवलप्ड, आपका विनस माउंट वेल डेवलप्ड, और सनलाइन अपोलो माउंट से निकली और थोड़ा कर्व लेके पहुंच गई विनस के अंदर। यह अद्भुत संयोग बना है, यह है राजयोग। चाहे कुछ भी नाम दीजिए, इशारा कर रहा है इस जातक के पास में किसी बात का अभाव नहीं होगा, खूब सफल होगा, खूब संपन्न होगा, खूब मान होगा, खूब लग्जरियस लाइफ होगी, खूब वैभव, खूब ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, किसी बात की कोई कमी नहीं जिंदगी भर। आप उसके हाथ में डेस्टिनी लाइन है या नहीं अलग टॉपिक, उसके हाथ में लाइफ लाइन कैसी है अलग टॉपिक, गुरु किस अवस्था में है अलग टॉपिक। ये योग तो इशारा कर रहा है कि उस परम ने उसके ऊपर बहुत कृपा बरसाई है, क्योंकि अपोलो को वेल डेवलप्ड किया और विनस को भी वेल डेवलप्ड किया। तो आपके अपोलो से मिला आपको सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, कीर्ति, और शुक्र से मिला आपको भौतिकता, काममुक्ता, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव, सुख सुविधाएं। जब आपका अपोलो माउंट अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, संपन्नता आएगी, तो आपका शुक्र मजबूत होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में संपन्नता जो आती है ना वो यहाँ झलकती है। जब संपन्नता आएगी, धन आएगा, तभी तो सुविधाएं आएंगी, तभी तो आदमी उनको भोगेगा। तो अपोलो माउंट और विनस माउंट का संगम इन सन लाइन के द्वारा ये अद्भुत परिणाम देता है। जातक की जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता। वह राजा नहीं बनने वाला, लेकिन जिंदगी राजसी होगी, ऐश्वर्यपूर्ण, वैभवपूर्ण, समाज में मान सम्मान भी होगा, 10 लोग खड़े होकर उसको नमन भी करेंगे, सैल्यूट। लेकिन कुदरत ने इस जातक को छप्पर फाड़ के दिया है, सब ऐश्वर्य, किसी बात की कोई कमी ही नहीं। उसके पास अच्छा परिवार होगा, अच्छे संसाधन होंगे, अच्छी लग्जरीज होंगी, सब सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, सब अच्छा। आप कह ही नहीं सकते कि इस जातक की जिंदगी में क्या कमी है, इतना अद्भुत योग है ये। बस आपके लिटिल फिंगर लंबी हो, इतनी लंबी कि आपकी जो अपोलो फिंगर है उसके बराबर हो जाए, और उंगलियों पर कोई संधि ना हो, जो पर्वों में बांटती है वो संधि ना हो, बस सीधी उंगली उंगली हो, सफा चट्ट उंगली, नो संधि।
कोई जॉइंट ना हो बीच में, और अपोलो माउंट वेल डेवलप्ड, विनस वेल डेवलप्ड, और अपोलो माउंट से सनलाइन का निकलना, और सनलाइन के ऊपर कोई दोष नहीं, फॉल्टलेस, स्पष्ट हो, कहीं से कटी टूटी फटी ना हो, और पहुंच जाए शुक्र पर्वत के अंदर। अब कमाल हो गया, जातक को सब मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति उस पर खूब मेहरबान है, कुदरत उस पर खूब मेहरबान है, भाग्य उसके ऊपर खूब मेहरबान, सब दे रहा है उसको, कोई कमी नहीं। तो ध्यान रखना इसका, जब भी अपना हाथ देखो या औरों का हाथ देखो, और जब भी लगे कि उंगलियों के बीच में जो पर्व हैं वो पर्व तो है ही नहीं, जॉइंट तो है ही नहीं, संधि तो है ही नहीं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कुछ खास है। अब आइए लिटिल फिंगर की तरफ, अगर लंबी कितनी लंबी, अपोलो फिंगर के बराबर, अब और सचेत हो जाओ, अब देखिए सीधा अपोलो माउंट, और माउंट को छोड़िए किस अवस्था में है, अपोलो माउंट वेल डेवलप्ड, नीचे विनस पर आइए वेल डेवलप्ड, और सनलाइन कहीं भी कटी फटी नहीं, स्पष्ट गहरी दोष मुक्त, और वो थोड़ा कर्व लेते हुए बीच से चली जाए शुक्र पर्वत के अंदर। यह है राजयोग, राज राजेश्वर योग, आपको राजसी जीवन देने वाला। राजा तो आप नहीं है, लेकिन किसी राजा से कम भी नहीं है, क्योंकि आपका जीवन इतना वैभवपूर्ण है, ऐश्वर्यशाली है, किसी बात की कोई कमी, धन धान्य मान सम्मान इज्जत सब कुछ, ये खास हो गया, अब ये राजयोग हो गया। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर देना, लाइक शेयर भी कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, और आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया।